फर्स्ट टाइम किसी लड़के ने मेरे से डेट के लिए पूछा। डेट वगैरह बहुत पसंद है, सरप्राइज वगैरह बहुत पसंद है। मैं तो सिंगल हूँ तो मैंने सोचा डेट के लिए पूछ रहा है तो मैं हाँ बोल देती हूँ। खुश है ना? बड़ा खुश है क्या बहन? अभी मैं कुछ गाली बक दूंगा क्या? मतलब खुश है तेरा डेट पे रहे आराम से मजे कर, बाहर से कोई लेना देना नहीं। के डेट के बाद उसने मुझे हाजमोला भी खिलाया। तो बात दे थी ना उधर ही डेट पे हाजमोला खाई थी तो, और ऐसी डेट हो जाती। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज ना मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। ये सबसे पहले संजू को बोलने वाली हूँ, उसको थोड़ा सा बुरा लगने वाला है बट इट्स ओके यार, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो संजू को बुला लेते हैं। मगर क्यों? अच्छा, आती क्यों नहीं है? एटीट्यूड। हेलो। बोल क्या हुआ? अभी बता था। ऐसे कैसे बोल रहा है? एटीट्यूड दिखा रहे हैं? जलवा है हमारा। तो अब जो दिखाने की चीज़ है वो दिखाऊंगा तो क्या दिखाऊंगा मैं? आई बड़ी कोई बात नहीं। हाँ तो मेरे गला बैठ गया, मतलब क्या ही बोलूं, इतना ज्यादा पार्टी कर लिया कि गला ही बैठ गया। पार्टी कर लिया? कौन सी पावरी कर रही थी? खड़ी हो रही थी, मतलब ना तुझे कुछ बोलना भी था इसलिए मैंने बुलाया। कहना क्या चाहते हो? क्या बोलना? मतलब मैं जैसे कि मैंने बोला पार्टी कर रही थी तो किसके साथ कर रही थी ये भी तो बताना है। तू मेरा फ्रेंड है, देख तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं चाहती हूँ तुझे हर कुछ बात पता चले और मैं ये भी तुझे बोल दूंगी, ठीक है? ठीक है। कि क्या है क्या नहीं है। तो हम गए थे कल रात को पार्टी करने के लिए, हम नहीं बस हम दो गए थे, ठीक है? फर्स्ट क्या बोला तूने? टाइम किसी लड़के ने मेरे से मतलब डेट के लिए पूछ। हेलो बहरा है क्या? हेलो, तूने तेरा क्या रिप्लाई हुआ ये बोल। यहाँ में पिघल ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? अच्छे से तो बोलना चाहिए ना, तुझे अच्छे से खुश बात होना करने वाली है ये चाहिए। टॉपिक क्यों? अरे तुझे किस बात तुझे पे? खुश होना चाहिए ना। मुझे ऐसे किसी ने नहीं पूछा कि आपको मेरे साथ, सब लोग फ्लर्ट करते हैं, ऐसे किसी ने नहीं पूछा कि आप मेरे साथ डेट पे चलोगी कि नहीं। और मुझे डेट वगैरह बहुत पसंद है, सरप्राइज वगैरह बहुत पसंद है, तो समझ रहा है? तू समझा? ये सही है, मतलब अगर भाई साहब आपका किसी का रिलेशन हो तो आपको कोई पूछा कि डेट पे चले जाए, आपने रिलेशन वाले ने नहीं पूछा तो मतलब यार पसंद है, यार जाना तो पड़ेगा, तो मतलब चले जाओ उसके साथ डेट पे, सही पकड़े हैं है ना? तो ऐसा कोई है ही नहीं मेरे में, ना ही मैं किसी रिलेशन में हूँ। मैं तो सिंगल हूँ तो मैंने सोचा डेट के लिए पूछ रहा है तो मैं हाँ बोल देती हूँ। तो फिर मैंने हाँ बोल दिया डेट के लिए, तो उसने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया, बहुत ही बढ़िया वाला सरप्राइज प्लान किया उसने। अच्छे से ढंग से बात कर ले तभी बोलूंगी, कर डाए कि नहीं बोल। नहीं। मुझे कोई तो मिल रहा है इसलिए तू खुश है, तब बोलूंगी, बोल तू खुश है ना? बड़ा खुश है क्या बहन? अभी मैं कुछ गाली बक दूंगा क्या? मतलब खुश है। अच्छा, मतलब तुझे जानना नहीं है क्या क्या हुआ है ना? चलो रहने दो। बोल क्या हुआ? बोल, मैंने बोला ना अब आए ना लाइन पे। इतना अच्छा सा सरप्राइज प्लान किया था, ऐसे पूरा गुलाब के फूल से रस्ते में ऐसे बिछा दिया था, फिर वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह और जितने भी खाने की चीज़ें, दुनिया में जितने भी खाने की चीज़ें सारे लेके आए थे, और इतने सुंदर सुंदर रोज और इतने सुंदर सुंदर चीज़ें, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बोल के बयान नहीं कर पाऊँगी, इतनी इतनी अच्छी सरप्राइज थे। सही है, अच्छे सरप्राइज ही लगते हैं, जब कोई पैसा उड़ाता है अपने ऊपर तो सबको अच्छा ही लगता है। हाँ हाँ बोल। जली ना, तेरी भी जली ना। हाँ तो मुझे वो पसंद आया, उसने मुझे प्रपोज तो नहीं किया, बस डेट के लिए लेके गए थे। प्रपोज करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे वो भी नहीं पता, बट अच्छा टाइम था जो डेट पे गई, अच्छा मुझे तो अच्छा लगा, उसको भी अच्छा लगा होगा।
अगर उसको अच्छा लगा होगा तो प्रपोज वगैरह करेंगे शायद, मुझे नहीं पता, बट बहुत मजा आया डेट पे। ये भगवान क्या जुलूम है। सही है बेटा, तो ऐसा कर आज के तेरे डेट पे रहे और अपनी अपनी जो भी बातचीत होती है उसकी डेट खत्म कर देते हैं। मेरे को तेरे से कोई बात करना नहीं है, तू तेरा डेट पे रहे आराम से, मजे कर बस, मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं। तो रहन दो फिर। और तू ऐसा बोल रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसको अच्छा सा कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए। नहीं नहीं, क्यों मिलना। बेस्ट फ्रेंड है मेरी, कैसी बेस्ट फ्रेंड, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो क्या हूँ मैं, तेरी वाइफ हूँ क्या? तो बना लेता ना मैं फ्यूचर में, इसलिए तेरे साथ हूँ ना, ताकि हर टाइम पे तेरे को हर प्रॉब्लम में रहता हूँ। ऐसा कोई आजकल के निब्बे निब्बी रहते रहते नहीं है कि हाँ दो दिन रहे बस, ऐसा ही होता है उनका, हर टाइम पे तो कोई नहीं रह सकता तेरा साथ में। ओ यार याद रखना, मैं तेरा दोस्त इसलिए बना कि मैं तेरा हर दोस्त इसलिए बना था कि मतलब तू मेरे साथ सब कुछ शेयर करे और मैं तेरा धीरे धीरे दोस्त में भी लाइफ पार्टनर वाला दोस्त बोला। लेकिन उससे ऐसे नहीं करते क्या, कुछ और शेयर कर, तेरे को बोला था मैंने पहले भी, तेरा अपने तेरे पास रख तेरा डेट और तेरा अच्छी बात, तेरा गुड न्यूज बाहर में जाए थी, गुड न्यूज मेरे को नहीं सुननी कोई। हाँ तो ठीक है फिर जाओ, आप जाइए, इधर क्यों बैठे हो मेरे पास, बैठे टाइम पास क्यों कर रहे हो, उसको अपना दोस्त बना लो, उसको अपना सब कुछ बना लो, मेरे पास आप क्यों टाइम पास कर रहे हो, जाओ मुझे नहीं चाहिए दोस्त। तो ऐसा क्यों कर रहे है संजू, तू मेरे लिए खुश नहीं है क्या, तू क्या चाहता है, मतलब हो कुछ भी, ना ही खुद को, ना तूने खुद मुझे कभी डेट पे लेके गया, ना खुद ने कभी प्रपोज किया अच्छे से वगैरह, और ना ही मेरे को किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट करने देता है, तू कैसा है मुझे कुछ समझ में नहीं आते। कुछ नहीं बोलता तू कर यार, जिसको अगर कोई और अदर लड़की होती तो अभी तक समझ जाती है यार क्या चीज होती क्या नहीं, कोई किसी लिए इतना कुछ कर रहा है, कुछ इतना आपको लाइक करता है, इतनी आपकी हर टाइम पे रेस्पेक्ट करता है, कुछ करता है, लेकिन परवाह ही नहीं है, कुछ मतलब भी नहीं, दिखता ही नहीं किसी को, तो कोई नहीं यार। देखो बस एक बार डेट लिया फिर तेरे पे पैसा खर्च किया तो देखो दिख गया बस, देखो बाकी किसी का प्यार नहीं दिखता जो कि हाँ आपके लिए इतना कुछ करता है, वो नहीं दिखता बस, डेट पे ले गया सरप्राइज, हाँ बस सब लड़कियों को यही पसंद आता है, बस पैसा हो वो हो बस ये पसंद आता है। तो डेट के बाद इतना कुछ खिला के, डेट के बाद उसने मुझे हाजमोला भी खिलाया, पास देती ना उधर ही डेट पे हाजमोला खाई थी तो रुक जा तो। और ऐसी डेट हो जाती। पता नहीं हाजमोला खाके कैसे कैसे बात ही कर, हाजमोला खाने के बाद कौन पूछे। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तेरे कोई पादा पादी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस वीडियो को कोई भी सीरियस मत लेना गाइस, मैंने संजू के साथ प्रैंक किया बट उसको नहीं बोला, उसको भी ये वीडियो देख के पता चलेंगे कि मैंने उसके साथ बहुत ही गंदा वाला प्रैंक किया, ऐसा कुछ भी नहीं था, जस्ट एक प्रैंक था ये। झूठिया बनाया तुमको। सो चलो गाइस लास्ट वीडियो को कमेंट पर लेते हैं। लास्ट वीडियो हमारा था इग्नोर प्रैंक ऑन बॉयफ्रेंड। ओके सबसे पहला कमेंट है आशीष कुमार का, इसने बोला मैं ये कब से संजू भैया को बोल रहा हूँ कि भाई आप करो, सुन नहीं रहे थे, आज खुद के ऊपर हो गया, आप मजा आया होगा। आया होगा मजा, मजा तो आया ही है सबको यार। रहन ने कमेंट किया हुआ बहुत क्यूट वॉइस है आपके और ऊपर से प्रैंक तो लाजवाब, थैंक यू सो मच फरहत गेमिंग। एफएफ धोके भाई ने कमेंट किया तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छा लगता है, लव यू दी फ्रॉम आसाम, थैंक यू सो मच। होटल गेमिंग ने यहाँ पे कमेंट किया मेरी जिंदगी में हंसी नेम से नफरत थी बट आपकी वीडियो देखकर मैं बहुत हंसा आज बहुत दिन बाद, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप बहुत दिन बाद मेरी वीडियो देख कर हंसे, थैंक यू सो मच। मोहित जुबैर ने कमेंट किया यार आप दोनों की वीडियो कितनी अच्छी होते, लोग आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, मतलब क्या ही बोलूँ, सपोर्ट नहीं करते तो नहीं करते, अब क्या कर सकते, आप लोग ही हो जो हमें सपोर्ट कर सकते हो, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच आपने ये कमेंट किया एंड वीडियो वेरी नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।